हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज खई। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, जिस दौर में हम जी रहे हैं बड़ी आसानी से क्रिटिसिज्म मिल जाता है, अप्रिसिएशन जो है वो जरूर मिल जाता है। लेकिन फिलहाल इंडियन क्रिकेट में बीते कुछ 3 से 4 महीनों में भूचाल आया हुआ है और इसी बीच एक चिंगारी और आप कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट में लग चुकी है। रिद्धिमान साहा ने बड़ा बयान, आप बयान कह लीजिए, उनके पोस्ट कह लीजिए सोशल मीडिया पे, उनकी कॉन्वर्जेशन कह लीजिए राहुल द्रविड़ के साथ या फिर सौरव गांगुली के साथ, काफी कुछ भूचाल आप कह सकते हैं, हलचल एकाएक मच चुकी है इंडियन क्रिकेट में। कौन से वो पत्रकार है जिनके बारे में रिद्धिमान साहा कह रहे हैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस बात की देरी है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं, दरअसल पूरा मुद्दा क्या है, किस प्रकार रिद्धिमान साहा जो है लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने जो बड़ा मुद्दा उठाया है एक पत्रकार को लेके, उसके साथ साथ बीसीसीआई भी अब बीच में आ गया है। बीसीसीआई इस पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये पूरा जो पूरा मामला है, ये शुरू कैसे होता है? दरअसल ये शुरू इस प्रकार होता है कि रिद्धिमान साहा जो कि श्रीलंका सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं, डायरेक्टली उनकी बात होती है सेलेक्टर से, राहुल द्रविड़ से, कि भैया अब हम आपके आगे देखना चाह रहे हैं और अब आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हैं। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले जो एक पारी जरूर आई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ 61 रनों की पारी रिद्धिमान साहा ने खेली थी, उस वक्त सौरव गांगुली ने उनको बोला था कि जब तक मैं हूं तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लगातार टीम से खेलेंगे। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं रिद्धिमान साहा ने पब्लिक डोमेन में कह दी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को एक अलग डायमेंशन दे दिएगा कि क्या कुछ फेवरेटिज्म तो नहीं हो रहा था। उसी बीच राहुल द्रविड़ भी आ जाते हैं, राहुल द्रविड़ रिद्धिमान साहा से कहते हैं कि भैया आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टीम मैनेजमेंट अब आपसे आगे देखने की कोशिश कर रहा है, अब आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। एज फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपको लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यंग फेसेस के साथ जाया जाए। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में चीजें आ रही थी। इन सबके बीच में एक ट्विटर पे पोस्ट आता है रिद्धिमान साहा का, जिसमें एक पत्रकार उन्हें इंटरव्यू के लिए कहते हैं कि आप हमारे साथ इंटरव्यू कीजिए। अब रिद्धिमान साहा मना कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो पत्रकार जो है वो चिढ़ जाते हैं, वो जो एक बयान आना चाहिए, एक स्टेटमेंट एक जर्नलिस्ट के तौर पे आना चाहिए, उस प्रकार से नहीं आता, एक अलग एंगल से वो जो है ज़रूर उस बात को कह देते हैं कि भैया अब मैं आपका कभी इंटरव्यू करूंगा नहीं, आपने 11 अलग जर्नलिस्ट को चुन लिया है जो कि सही नहीं है। अब जब ये पूरा मामला हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट जो है, जाहिर सी बात है, रिद्धिमान साहा ने पोस्ट कर दिया कि इतना कुछ इंडियन क्रिकेट को मैंने दिया, इतने सारे रन्स मैंने बनाए, लेकिन ये जो सलूक किया गया है, जो पत्रकार इतने रिस्पेक्टेड, सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट के तौर पे उन्होंने बाकायदा उस कैप्शन में मेंशन किया है, तो इशारे तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया ये जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अब बीसीसीआई जो है वो चुप नहीं रहने वाला है, वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कि भैया एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या एक पूरा एक नेक्सस तो नहीं है, क्या एक पूरा लॉबी तो नहीं है, एक धड़ा तो नहीं है जो कि इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है। इसके ऊपर बीसीसीआई जो है अब एक्शन लेने वाला है। रिद्धिमान साहा से भी बातचीत होगी, वो जर्नलिस्ट कौन है और कितने क्रिकेटरों के साथ ऐसा हुआ है, इसकी भी जाँच पड़ताल होगी। पहली बार हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि एक पत्रकार और क्रिकेटर के बीच में इस प्रकार का हंगामा आप कह लीजिए देखने को मिला है। क्या लगता है आपको कि कौन है वो पत्रकार, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।